आपका पहला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है एक वजन बढ़ाने की, बी शिक्षा की, सी समायोजन की, डी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समायोजन की। आपका अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन है एक स्किनर का, बी स्टेनली हॉल का, सी ई ए किलपैट्रिक का, डी थार्नडाइक का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्टेनली हॉल का। आपका अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं है ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। आपका अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है, ए 18 माह से 3 वर्ष, बी 3 से 6 वर्ष तक, सी 6 से 12 वर्ष तक, डी किशोरावस्था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक। आपका अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है ए परिवार का वातावरण, बी धार्मिक वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, डी परिवार की आर्थिक स्थिति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धार्मिक वातावरण। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया ए कोहलबर्ग, बी एरिक्सन, सी फ्रॉइड, डी पावलोव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोहलबर्ग। आपका अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया ए कार्ल पियर्सन ने, बी मैकडूगल, सी मेंडल ने, डी पावलोव ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेंडल ने। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है ए खुश मिजाज, बी सामाजिक, सी आसानी से चिढ़ने वाला, डी ऊर्जा का उच्च स्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आसानी से चिढ़ने वाला। आपका अगला प्रश्न है, पुनर्तः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया ए कार्ल रोजर्स, बी फ्रॉइड, सी फ्रांसिस गाल्टन, डी पावलोव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स। आपका अगला प्रश्न है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है ए 10 वर्ष की आयु से, बी 16 वर्ष की आयु से, सी 12 वर्ष की आयु से, डी 18 वर्ष की आयु से। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए कम समय में अधिक प्रश्न लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।